नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को शहीद पथ स्थित कान्हा स्टेडियम में होगा। इसी क्रम में प्राइम टीवी से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पांच साल के सफल कार्यकाल के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, क्या कहेंगे इस जीत पे? मैं पूरे प्रदेशवासियों को धन्यवाद देता हूं, सभी मतदाता भाइयों और बहनों को जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने उन गरीब लड़कियों की शादी करने के लिए हो जाए, गरीबों के मकान बन जाए, आवास बन जाए, शौचालय बन जाए, लोगों का मुफ्त इलाज हो, किसानों का फसल का उत्पादन दूना हो, इसके लिए उन लोगों ने वोट दिया। और अराजक माहौल न कायम हो, इसलिए पूरी तरीके से मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी को वोट देने का काम किया, उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। अच्छा, विपक्ष महंगाई को लेकर आवाज उठा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? विपक्ष बेमतलब की बात कर रहा है महंगाई के सवाल पर। देखिए, अभी 12 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल का दाम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के कम किया, इसलिए उनकी आवाज को जनता ने नहीं सुना। और जो तमाम चीजें वो बोलते हैं उन पर जनता ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि जनता को चीजें जो मिल रही हैं वो जनता की तरफ से महंगाई की कोई आवाज नहीं है। तो हमारे साथ थे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पेट्रोल डीजलों के दामों को लेकर उन्होंने बताया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अराजकता को पूरी तरह से यूपी में खत्म किया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। यूपी सरकार का गठन होने की तैयारी एक और जोर शोर से चल रही है। वहीं 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद यूपी की सत्ता में वापसी कर पार्टी के लिए 37 साल पुराना मिथक तोड़कर इतिहास रचने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा में सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को है। शहीद पथ स्थित कान्हा स्टेडियम में होगा, जहाँ देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम राज्य के मुख्यमंत्री समेत अनेकों गणमान्य शिरकत करेंगे। वही शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। इसी क्रम में लखनऊ में प्राइम टीवी की टीम ने पूर्व ईडी डायरेक्टर और सरोजनी नगर से नवनिर्वाचित विधायक राजेश्वर सिंह से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद योगी सरकार एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। वहीं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरोजनी नगर से नव निर्वाचित विधायक राजेश्वर सिंह जी। सबसे पहले आपको बहुत बधाई, आप विधायक चुन के आए। आपकी अगर बात करें तो सरोजनी और जनता को क्या संदेश देंगे? नहीं, सरोजनी नगर जनता का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। इतना आपने मुझ पर विश्वास जताया, आपने इतने वोट से मुझे जिताया, ये आपकी जीत है, आपके लिए समर्पित रहूंगा और यहाँ के लिए बहुत कार्य करने हैं। मैंने वादा किया है सरोजनी नगर को एक आदर्श विधानसभा बनाना है, वो बनाऊंगा। अगर बात की जाए तो इस चुनाव में आपने सरोजनी नगर के चप्पे चप्पे घूमे, तो क्या ऐसी दिक्कतें जिस पे आप पहले काम करेंगे? जल भराव की समस्या है, सड़कों की कुछ समस्या है, मुझे अस्पतालों का उच्चीकृत कराना है, ट्रॉमा सेंटर बनवाना है, ये सारे कार्य करने हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि विपक्ष आजकल महंगाई को लेकर और रोजगार को लेकर सवाल उठा रहा है, उस पे आपका क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। रोजगार जितना योगी सरकार में मिला है पिछले 5 वर्षों में निष्पक्ष रूप से मिला, 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली, बिना भेदभाव की मिली, उससे ज्यादा लोगों को स्वरोजगार मिला, लाखों करोड़ों लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिले, उनको लोन उपलब्ध कराया गया, एमएसएमईज में 88 लाख से ज्यादा एमएसएमईज के उद्योग बनाए गए, बहुत काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बहुत काम हुआ, रोजगार बहुत मिला। ये विपक्ष का आरोप पूर्णतः निराधार है। तो हमारे साथ थे सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो रोजगार के मुद्दों को अब आपके महंगी बढ़ती महंगाई के मुद्दों को विपक्ष उठा रहे हो, कहीं ना कहीं निराधार साबित हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भाजपा अपने कार्यकाल में पूरे तरह से विकास का काम की है। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। यूपी सरकार का गठन होने की तैयारी एक और जोर शोर से चल रही है। वहीं 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद यूपी की सत्ता में वापसी कर पार्टी के लिए 37 साल पुराना मिथक तोड़कर इतिहास रचने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को है, जो कि शहीद पथ स्थित कान्हा स्टेडियम में होगा, जहाँ देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम राज्य के मुख्यमंत्री समेत अनेक गणमान्य शिरकत करेंगे। वही शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ के साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। इसी कड़ी में लखनऊ में प्राइम टीवी ने विधायक अमरेश कुमार रावत से बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद यूपी में फिर एक बार योगी सरकार रिपीट कर रही है और 25 तारीख को इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ सभी जो मंत्री उनके शपथ समारोह का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में हमारे साथ मोहनलालगंज से नव निर्वाचित विधायक अमरेश कुमार जी हैं। सबसे पहले आपका हार्दिक बधाई, आप विधायक चुन के आए हैं, क्या संदेश देंगे मोहनलाल की जनता को? मोहनलालगंज की जनता को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ऐतिहासिक जीत के लिए। और मैं एक सबसे पहले मैंने वादा भी किया था डिग्री कॉलेज का, कन्या डिग्री कॉलेज का, और जो भी कार्य बाधित हुए हैं वो सारे कार्य सरकार के द्वारा बखूबी से कराएंगे हम। और मैंने सबसे बड़ा संदेश लोगों में दिया था कि मैं विधायक नहीं, आपका भाई और बेटे के रूप में आपके बीच में उपस्थित रहूंगा 24 घंटे और हर दुख सुख में आपके साथ रहूंगा और कहीं से कोई कमी अपनी तरफ से आपको एहसास नहीं होने दूंगा। अच्छा, आपने ये बताया कि आप तमाम मोहनलालगंज के इलाकों में घूमे चुनाव के दौरान, पहले भी सक्रिय रहे, तो क्या ऐसी चीजें निकली जो आप जीतने के बाद जीत चुके हैं तो अब उस पर काम करेंगे? अब ये सबसे बड़ी 2-3 रोडें ऐसी हैं जिसपे जनता का, खास करके नगराम से गंगागंज, खुजौली से नगराम, इस तरीके की रोडें जो हैं, जो आवागमन का बड़ा दिक्कत है लोगों में, बहुत शिकायतें मिली हैं, उनका मैंने वादा किया था चुनाव जीतने के बाद, सरकार के गठन होने के बाद मैं करा दूंगा और वो मैं निश्चित तौर से सबसे पहले वही काम कराऊंगा। अच्छा, हमें ये बताएं कि आज अखिलेश यादव आजमगढ़ से अपनी लोकसभा की जो सीट थी उस पे इस्तीफा दे के और विधानसभा में बैठेंगे, इसको किस नजर से देखते हैं? बैठेंगे नहीं, वो बैठे तो कहेंगे नहीं, मुझको तो नहीं लगता बैठेंगे, अपनी मर्जी बैठे, उनका स्वागत है विधानसभा में, तो क्योंकि विधायक हैं, जितने भी निर्वाचित हुए हैं विधायक, 403 सीटें हैं, सभी का विधानसभा में स्वागत है और बैठे तो कहते हैं अच्छे से काम करें। जो तरीके की भाषा शैली रही, मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सबको छोड़ करके अच्छे रास्ते पे अच्छा काम करें, अच्छी बात है। अच्छा, मोहनलालगंज जो की ग्रामीण क्षेत्र आता है उसमें तो खासकर आपने चुनाव में देखा कि छुट्टा पशुओं के लेकर काफी सवाल उठाए विपक्ष ने, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे पशुओं के लिए? हमने कहा है इसी कुछ समय पूर्व, देखिए पशुओं में बहुत जगह दिक्कत रही थी, कुछ जगह ऐसा था कि हमारी सरकार को ना चाहने वाले ग्राम प्रधान थे और कुछ प्रतिनिधि ऐसे थे जो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए सही काम नहीं करते थे, वरना सरकार ने प्रत्येक ग्राम सभा में गौशाला बनाने का काम किया और प्रत्येक एक पशु को 30 रुपए का भोजन और जो वर्कर थे उनको वेतन देने का काम हमारी सरकार ने किया है, लेकिन उस पर सही और निष्ठा भाव से जहाँ जहाँ काम नहीं किए हैं वहाँ जानवरों को दिक्कत हुई है और बाहर घूम रहे हैं। और जो भी दिक्कतें थोड़ी बहुत जानवर की हैं वो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा शोध निकाला है जिससे जो देसी गाय और है उनके गोबर से कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी जिससे प्रत्येक व्यक्ति जानवर को फिर बांधना शुरू करेगा। और पुराने समय में जैसा कि प्रत्येक घर में एक गाय जरूर होती थी, वो स्थिति फिर उत्पन्न होगी, सब लोग काम करेंगे और बहुत अच्छे से अमन चैन से सबका जीवन कटेगा। तो हमारे साथ मोहनलालगंज के नव निर्वाचित विधायक अमरेश कुमार थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि विकास कार्य करेंगे अपने क्षेत्र में, साथ ही साथ जो टूटी सड़कें हैं उन पे काम करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। देश दुनिया की और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।